हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पिक्की वर्मा हेल्थ केयर। मेरे चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर बीपी बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए जिससे बीपी जल्दी डाउन हो। तो उससे पहले आप वीडियो को अंदर देखें, बीच में स्किप नहीं करना है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को बीपी बढ़ जाता है, वैसे तो बीपी वैसे व्यक्ति को बढ़ता है जैसे जिनका एज लगभग 40 के ऊपर होता है, उन लोग को बीपी बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। लेकिन जिन व्यक्तियों का एज कम होता है, कभी कभी उन व्यक्तियों को भी टेंशन के कारण, एंजाइटी के कारण बीपी बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे हाई हो जाते हैं, सपोज दैट 150 ऊपर का बीपी हो जाता है और नीचे का हो जाता है 90 या फिर 100 हो जाता है। तो ऐसे करके तो उस कंडीशन में हमें जल्दी उतारना है, क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, चक्कर आने लगता है, घबराहट होने लगता है, धड़कन तेज हो जाता है। तो इसके लिए हमें दवा का उपयोग करना है, जैसे बहुत से ऐसे बीपी का दवा है जैसे एम्लोकांडेटी, एम्लोभासेटी, सिल्वास 40। तो हमें जैसे अगर जल्दी रिलीफ चाहिए, फास्ट रिलीफ चाहिए, तो उस कंडीशन में एक कैप्सूल आता है जिसका नाम डिपिन होता है, उसमें लिक्विड भरा होता है। और जब किसी व्यक्ति को बीपी बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में हम उसे जीप पे देते हैं, उसमें एक छिद्र करते हैं, होल करते हैं किसी नुकीले चीज़ से, उसके बाद जीप पे देते हैं। दोस्तों इसमें दो प्रकार के आता है, एक 5 mg का, एक 10 mg का। तो एज के अकॉर्डिंग इस दवा का उपयोग करेंगे, जैसे अगर यंग एज है तो उस कंडीशन में हमें 5 mg का दवा यूज करना है, और एज अगर 40 के ऊपर है, 40+ है, तो उस कंडीशन में हमें 10 mg का कैप्सूल का यूज करना है। और ये दवा जीप पे देने के 10 से 15 मिनट के अंदर बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो बहुत ही कारगर दवा है और इसे इमरजेंसी में हमेशा रखना चाहिए, खास करके वैसे लोग जिनका एज 40-50 के बीच में है और बीपी बार बार बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें ये दवा रखना चाहिए। वैसे तो बीपी का दवा हमेशा खाना चाहिए, जनरली खाते रहना चाहिए जिन व्यक्तियों का बीपी बढ़ा रहता है, क्योंकि बीपी जो है कभी ठीक होने वाला बीमारी नहीं है, ये कभी बढ़ जाएगा कभी कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें चेकअप भी करवाना चाहिए बीपी का डॉक्टर से, बीच बीच में चेकअप करवाने से हमें पता चलता है, अनुभव मिलते हैं कि जो मेरा बीपी है कितना बढ़ गया है, कितना घट गया है, फिलहाल कितना है, हमें दवा का डोज कम करना है या ज़्यादा करना है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है, ऐसा नहीं है कि बीपी लो है 90 है ऊपर का और नीचे का 60 है, तो इस कंडीशन में आप बीपी का दवा खाएंगे तो और भी डाउन हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप चेकअप करवाते रहिए, आप अपना देखभाल कीजिए, मेंटेन रखिए अपनी बॉडीज का। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे। थैंक यू।